अखबार में ये बिंदु क्यों दिए जाते हैं? होटल के चादर हमेशा व्हाइट क्यों होते हैं? आईफोन में आई का मतलब क्या है? अगर आपको ऐसे फैक्ट जानने हैं तो एंड तक जरूर बने रहना। आखिर पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? मैं बताता हूँ दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ते वक्त नींद आती है? जब आप पढ़ने बैठते हैं दरअसल दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है वह रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम एग्जाइटिंग या मजेदार चीज देखते हैं या करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? दरअसल दोस्तों, बाइक का टोल टैक्स ना लगने का सबसे बड़ा कारण है कि बाइक का वजन अन्य गाड़ियों की तुलना में बहुत ही कम होता है और यह सड़क पर बहुत ही कम जगह लेती है और बाइक में हमें बहुत ज्यादा दूरी भी तय नहीं करते अन्य गाड़ी की तुलना में, जिससे सड़क पर भार बना रहे, इसलिए दो भाई बहनों का टोल टैक्स नहीं लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने गैस सिलेंडर के नीचे ये छेद तो देखा ही होगा। आपने कभी सोचा है कि ये छेद क्यों होता है? तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर के सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी स्थिति में सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें एक धमाका हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये छेद बनाए जाते हैं। होटल के चादर हमेशा व्हाइट क्यों होते हैं? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। होटल के बेडरूम में सफेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांत महसूस करता है, जिससे तनाव में कमी आती है। सबसे खास वजह होटल में सफेद रंग की चादर बिछाने है कि उसमें लग्जरी लुक आती है। 1990 में रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग में लग्जरी लुक आता है, ट्रेंड चल रहा है। आईफोन में आई का मतलब क्या है? आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि एप्पल आईफोन में आई का मतलब क्या होता होगा। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। आईफोन में आई का मतलब आईफोन मेरा फोन, इंटरनेट, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, इंस्ट्रक्ट हिदायत, इन्फॉर्म सूचित करना, इंस्पायर प्रेरित करना, ये सब होता है। फोन में पॉपअप कैमरे आने बंद क्यों हो गए? दोस्तों, करीब एक साल पहले पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल फोन मार्केट में आए थे और काफी हिट भी हुए, लेकिन अब पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल बंद हो गए हैं, जिनमें से पहला कारण उनके वाटरप्रूफ से लेकर है। जिन मोबाइल में पॉपअप कैमरा लगाना होता है उन फोन को कभी वाटरप्रूफ नहीं बनाया जा सकता, की वजह से लोगों ने इसे खरीद दिया और उनके पॉपअप की वजह से कैमरा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। अगर मोबाइल जेब में हो और किसी का वीडियो आ जाए तो कैमरा बाहर निकलने की कोशिश करता है और डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से लोगों ने इन्हें खरीदना बंद कर दिया है। एक्सपायर दवाई खाने से क्या होता है? अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होती है जो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोई भी दवाई ये तो ऐसा भी है जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीला बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाले आम दवाइयां बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट में कुछ समय पहले की ही डेट लिख देते हैं। एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसे कुछ कंपनियां ही करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेनी चाहिए।